हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 में आने वाले फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो हैं, जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ये लगभग हर एक साल आते हैं, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। आज 26 क्वेश्चन होंगे, तो इसको आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, पोटेशियम का लैटिन नाम। देखिए, लैटिन नाम से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे लैटिन नाम से संबंधित, आपको मैं सब करा दूंगा। तो कह रहा, पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है? पोटेशियम का जो लैटिन नाम है, ये कैलियम होता है। कैलियम, इसको हिंदी में कालियम लिखते हैं, ठीक है। तो स्पेलिंग भी और साथ में ये भी ध्यान दीजिएगा, कालियम होता है, और इंग्लिश में इसको कालियम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा है, रेडियो एक्टिविटा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटा शब्द है, उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, मैडम क्यूरी ने किया था, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, संयुग्मी फोकस संभव है। संयुग्मी फोकस संभव है, किसमें संभव है? केवल उसमें संभव है, अवतल दर्पण में, ठीक है। संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में संभव है। संयुग्मी फोकस किसमें संभव है? अवतल दर्पण में, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है। आयनीकरण सबसे अधिक क्षमता किसमें होती है? जो आयनाइजेशन कर देता है, वो सबसे अधिक किसमें होती है? कौन सी कणों में होती है? ये अल्फा कणों में होती है, ठीक है। आयनीकरण क्षमता सबसे होती है अल्फा कणों में, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट्रासाइक्लिन है एक, क्या है टेट्रासाइक्लिन? क्या है? एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। ये तो दो तीन बार पूछा जा चुका है। रोटी का बनना किसके नियम पर आधारित है? तो ये चार्ल्स के नियम पर आधारित है, ठीक है। तो ये तो मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो है ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से और पढ़ लीजिएगा। अम्ल दुर्बल अम्ल का संयुग्मी, संयुग्मी से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ लेगा। दुर्बल अम्ल का संयुग्मी होता है तो दुर्बल क्षार होता है, ठीक है। दुर्बल अम्ल का संयुग्मी दुर्बल ही क्षार ही होगा, ठीक है। संयुग्मी मतलब होता है उल्टा, तो अगर दुर्बल अम्ल का संयुग्मी पूछा है तो इतना ध्यान रखिएगा, दुर्बल अम्ल का संयुग्मी दुर्बल क्षार ही होता है, बस अम्ल का क्या हो जाएगा? क्षार, ठीक। उसके बाद हाँ, तो दुर्बल अम्ल का संयुग्मी दुर्बल क्षार होता है। तो चलिए देख लीजिए, दुर्बल अम्ल का संयुग्मी दुर्बल क्षार होता है, ठीक। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है, ट्विंकच आयोडीन प्रयोग की जाती है। जो ट्विंक्चर है, ट्विंक्चर आयोडीन, वो प्रयोग की जाती है किसमें, किसके रूप में प्रयोग किया जाती है? एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग की जाती है, एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग की जाती है। ये ट्विंक्चर आयोडीन किसके प्रयोग की जाती है? एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग की जाती है। एंटीसेप्टिक लिखा है, एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग की जाती है। तो जल का द्विध्रुव, नवा क्वेश्चन है, जल का द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होने के कारण ये क्या है? जो जल होता है उसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो बहुत ही अधिक होता है, तो जिसके कारण ये क्या है? ये विलायक है। ये किसी को अपने चीज़ में घोल, अपने विलायक उसे कहते हैं जो अपने में किसी चीज़ को घोल लेता है, उसको विलायक कहते हैं। तो ये 9 क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। टेन नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है, विद्युत सामर्थ्य पी, विद्युत सामर्थ्य को किससे लिखते हैं? पी से। प्रतिरोध को किससे लिखते हैं? आर से। तथा विभवांतर को वी से लिखते हैं। कि वी संबंध क्या होता है? संबंध होता है पी स्क्वायर टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। और उसके बाद क्या है, डायनोमो उत्पन्न करता है। डायनोमो क्या उत्पन्न करता है? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक, इसका फुल फॉर्म ये होता है। और ये 12 वाला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? जो हाइड्रोजन होता है उसका निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो कैटिपस विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। और 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, लॉरिक अल्कोहल का सूत्र, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद कर अच्छे से याद कर लीजिएगा, C12H25OH, ठीक। अब ये देखिए, अब इसके बाद 24 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 24 वाला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, स्थिति के अनुसार दर्शाया गया है। कह रहा है, स्थिति के अनुसार दर्शाया गया है सबसे बड़ा तत्व कौन सा है? इसमें हमको सबसे बड़ा तत्व बताना है कि कौन सा है।
तो सबसे बड़ा तत्व तो बताना है। तो ये स्थिति के ही अनुसार, जैसे उनकी स्थिति है पीरियोडिक टेबल में, उसी के हिसाब से दर्शाया गया है। ठीक है, तो देखिए पहले सोडियम है, मैग्नीशियम, एलुमिनियम है, सिलिकॉन, फास्फोरस है, फिर क्या है, सिल्वर है। ये सिल्वर, ठीक है, सिल्वर है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो इसमें आवरत सारणी में बाएं आवरत सारणी में आवरत जो सारणी में आवरत में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। ठीक है, आवरत सारणी में अगर आप बाएं से दाएं जाएंगे, यानी लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो जो पर जो एटम होता है उसका उसका जो साइज होता है वो क्या होता है, घटता है। तो देखिए इधर से हम जा रहे हैं, ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो देखिए सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक, ये सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये गोल्ड होता है, इसको गोल्ड बोलते हैं, ये गोल्ड का सिंबल होता है AgAU, गोल्ड का सिंबल होता है AU, और सिल्वर का और सिल्वर का क्या होता है, सिल्वर को होता है Ag, ठीक है, सिल्वर का होता है Ag। ठीक, तो देखिए इधर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो इधर से जा रहे, तो इसका परमाणु क्रमांक परमाणु आकार क्या है, घट रहा है। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, AU हो जाएगा, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। तो सोडियम सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपको हमने बताया था कि लैटिन नाम से जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सब आपको करा देंगे। देखिए तो यहाँ पे आ गया, फिर लोहा का लैटिन नाम क्या है, जो लोहा का लैटिन नाम होता है फेरम। ठीक है, तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं फेरम, ठीक है, फेरम, ठीक, फेरम। लोहा का लैटिन नाम क्या होता है, फेरम। टंगस्टन का, ये लोहा का बहुत ही 2-3 बार पूछा गया है, और ये लोहा, उसके बाद टंगस्टन का लैटिन नाम क्या होता है, वॉलफ्राम, ठीक, वॉलफ्राम, ठीक। उसका क्या होता है, चांदी का, उस चांदी का क्या होता है, चांदी का लैटिन नाम होता है अर्जेंटेनम, ठीक है, अर्जेंटेनम, ठीक। उसके बाद 18 क्वेश्चन क्या है, 18 क्वेश्चन है गैलियम, ठीक है, गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो देखिए गैलियम को किस सिंबल क्या होता है, Ga, और इसका जो परमाणु क्रमांक हो क्या क्या होता है, 31 होता है। देखिए इसका वो कर दीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले में एस में 1s², 2s², उसके बाद 2p6 हो गया है, ठीक है। उसके बाद किस में जाएगा, उसमें जाएगा 3, तो उसके बाद 3s², फिर इसमें इसमें जाएगा किस में, ये 2p6 और 3 और डी में कितना जाएगा, 10 जाएगा। उसके बाद 4s² और p1 एक इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि गिन लीजिए 31 है, तो यहाँ तक दो 10 हो गया, ठीक। उसके बाद ये 12 हो गया, और 12 6 18, 18 10 28, 28 29 30। तो एस में सबसे पहले एस में भरते हैं, तो एस में हमने 2 भर दिया, तो 30 हो गया, अब बचा कितना, एक इलेक्ट्रॉन, तो उसको किस में भर देंगे, पी में, ठीक। अब हम जानते हैं कि या तो अगर ऐसे दिया होगा, तो अगर 4 ऑप्शन में ऐसे दिया होगा, तो या आप ऐसे आप लिख दीजिएगा, या तो देखिए अर्गा इसका अर्गान का क्या होता है, अर्गान का होता है 18, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए 18 कहाँ तक बन रहा है, देखिए 2 2 4 6 10 12 18, ये हो गया 18। तो 18 को किसे लिखते हैं, Ar को, अर्गान को, जो अर्गान का परमाणु क्रमांक होता है उसका 18 होता है, तो हम इतने के जगह हम Ar लिख सकते हैं, अर्गान लिख सकते हैं। अब बचा कौन, 3d10 बचा, तो 3d10 हो गया, 4s² और 4p1, यही यही तो बच रहा है ना, तो 4p1। तो ये आप समझ गए होंगे, या तो ऐसे मिलेगा आपको, या तो ऐसे मिलेगा, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 19 क्वेश्चन पे। तो ये है रेडियो एक्टिविटा की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने की थी, ठीक, रेडियो एक्टिविटा की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। और इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था रेडियो एक्टिविटा शब्द की प्रयोग किसने किया था, तो मैडम, वो मैडम क्यूरी ने किया था। और ये रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी, हेनरी बेक्यूरेल ने, तो ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। फिर क्या है, कांच किसमें घुलनशील है, तो कांच किसमें घुलनशील है, HF को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड बोलते हैं। और दूसरा 21 क्वेश्चन क्या है, अग्नि समान
वस्त्र किसके बनाए जाते हैं जो अग्निशमन वस्त्र होते हैं, तो वो किसके बनाए जाते हैं, एस्बेस्टॉस के बनाए जाते हैं, ठीक है, एस्बेस्टॉस के बनाए जाते हैं। ठीक, हाइड्रोजन क्लोराइड को नमक का साथ कहने वाला विज्ञानी कौन था, जो हाइड्रोजन क्लोराइड है उसको नमक का साथ को किसने कहा था, सर्वप्रथम किसने कहा था, तो प्रिस्टले नामक जो विज्ञानी थे उन्होंने कहा था, प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने कहा था। उसके बाद 23 क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्वेश्चन है, अवतल लेंस में बनने जो अवतल जो लेंस में है बने प्रतिबिंब का क्या होता है, आवर्धन सदैव होता है, क्या होता है, सदैव एक से कम होता है। ये तो बहुत ही बार पूछा गया है, ठीक है, कम से कम 3-4 बार पूछा ही गया होगा इसको, ठीक है, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। परमाणु के नाभिक के खोज करता है, जो परमाणु के नाभिक की खोज करता है तो इजिली सबको पता होगा, रदरफोर्ड, ठीक है, ये वहाँ का है, ये इंटर का है, इंटर में एक चैप्टर है उसमें का है, तो कभी कभी आपको इंटर के भी क्वेश्चन कुछ पूछ लिए जाते हैं, तो आप परेशान मत होइएगा, आपको हम इंटर का भी क्वेश्चन कुछ सॉल्व करा देंगे। और हाई स्कूल को तो आपकी कर ही रहे होंगे, और करवाया हम साथ में हाई स्कूल के भी और साथ में और इंटर का भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो ये इंटर का क्वेश्चन है, किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंधी किसका, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत को बताता है, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है शक्ति का एसआई मात्रक। ये जो एसआई मात्रक वाले हैं ये मात्रक बहुत पूछ लेता है, तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट। तो आज ये 26 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये पहला पार्ट है, और इसके हम और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम मैं कोशिश करूँगा ज़रूर सॉल्व कराऊँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।